हेलो गाइस, दिस इज चंदन एंड वेलकम टू चंदन क्लासेस सीके द वे टू सक्सेस। कैसे आप सब गाइस, होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने घर पे अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्टैटिक जीके में माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया का सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, आइए। तो गाइस, मेनली जो ये है आपका माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया, इस सेशन में, इस चैप्टर में क्या है, मतलब कि वो आपसे क्या पूछ लेगा, इसमें आपसे मेनली वो एग्जाम में दो तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है गाइस, दो तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। वो क्वेश्चन क्या है देखिए, या तो वो आपसे पूछ लेगा गाइस, या तो वो आपको किसी भी पास का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन से स्टेट में है, ठीक है ना, या तो ऐसे करेगा वो एग्जाम में, या तो क्या करेगा वो, या तो गाइस कोई भी पास दे देगा और उसके रिलेटेड आपसे माउंटेन रेंजेस पूछ लेगा, ठीक है, क्या पूछ लेगा, माउंटेन रेंजेस पूछ लेगा, ठीक है गाइस। तो मेनली इसी टाइप के आपके जो हैं क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो चलिए हम स्टेट वाइज लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो हम स्टेट ले रहे हैं यहाँ पे गाइस, वो क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश, ठीक है गाइस। कौन सा ले लिया आपने, यहाँ पे ले लिया आपने हिमाचल प्रदेश, ठीक है गाइस। तो चलिए हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से हैं। फर्स्ट है यहाँ पे रोहतांग पास, सेकंड है थर्ड है यहाँ पे ठीक है गाइस। तो कौन कौन से हो गए हमारे पास, पहला हो गया रोहतांग पास हो गया, सेकंड हो गया बैरियर लच्छा पास, और थर्ड हो गया आपका शिपकला पास, ठीक है, और फोर्थ हो गया आपका यहाँ पे देवसा पास, ठीक है गाइस। तो देखिए जो रोहतांग पास है, मेनली आपको पता, जब आप कश्मीर से लद्दाख की तरफ जाएंगे तो आपको रोहतांग पास से होके जाना पड़ेगा वे टू लेह लद्दाख, ठीक है गाइस। ये बहुत ज़्यादा मेन पास है जिसके थ्रू आप लद्दाख तक जाते हैं, ठीक है ना। और शिपकला पास इज सिचुएटेड इन चाइना इंडो बॉर्डर, और जो शिपकला पास है ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, चाइना इंडो बॉर्डर पे, ठीक है, जो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है वहाँ पे ये वाला आपका पास है शिपकला पास, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग पास, बैरलिया लच्छला पास, शिपकला पास और देवसा पास, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे स्टेट देखते हैं कौन से हमारे पास, आइए। तो गाइस अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेट कौन सा है आपका, यहाँ पे उत्तराखंड, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से पास है देख लीजिए, मांगशाधुरा पास, सेकंड है मूलिंगला पास, थर्ड है माना पास, फोर्थ है नीति पास और फिफ्थ है लिपू लेक पास। तो गाइस देख रहे हैं मेनली जो इसमें ज़्यादातर पास हैं आपके उत्तराखंड से, वो मेनली एम से स्टार्ट हो रहे, तो पढ़ने में ज़्यादा आसानी नहीं और याद रहने में भी आसानी नहीं, ठीक है ना। मांगशाधुरा पास, मूलिंगला पास, माना पास, नीति पास और लिपू लेक पास, ठीक है गाइस। इसमें मेनली जो है लिपू लेक पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। अब जो है आपका यहाँ पे मूलिंगला पास, ये है आपका कहाँ पर है सिचुएटेड, नॉर्थ ऑफ गंगोत्री में है गाइस, ये कहाँ पर है आपका, नॉर्थ ऑफ गंगोत्री में है आपका मूलिंगला पास, ठीक है गाइस, कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ गंगोत्री में, ठीक है। चलिए अब जो माना पास है, ये कौन सा पास है, दैट कनेक्ट्स उत्तराखंड टू आपका कहाँ पे, तिब्बत, तिब्बत से कनेक्ट करता है आपको माना पास है जो आपका, ठीक है।
और जो लिपू लेक है गाइस, वो लिपू लेक पास इसलिए आपका इम्पोर्टेंट है, पिलग्रिम यूज दिस पास टू रीच कैलाश मानसरोवर। गाइस जैसे आपको पता है कि जो भोले बाबा थे, शिव जी जी थे, वो कैलाश मानसरोवर में रहते थे, ठीक है ना, जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है। तो अगर आपको जाना है कैलाश मानसरोवर पर्वत, तो आपको लिपू लेक पास से ही होके जाना पड़ेगा, इसलिए क्या है, पिलग्रिम यूज दिस पास टू रीच कैलाश मानसरोवर, ठीक है ना गाइस। और जो कैलाश मानसरोवर है उसको जो चाइना है वो कहता है मेरी जगह है, लेकिन नहीं, वो जो जगह है वो इंडिया की थी, लेकिन क्या है, वो कहता है कि नहीं, कैलाश मानसरोवर चाइना का है, इसलिए वो तिब्बत में भी है ना, जो कहाँ पर है, तिब्बत में है। लेकिन वो क्या करता है कि इस पे जाने के लिए जो भी मतलब श्रद्धालु हैं, जो भी जाना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर, उनसे इतना ज़्यादा टैक्स लेता है कि कम से कम पर हेड 70,000 से 80,000 रुपीज़ चार्ज करता है, और कहता है कि वो तिब्बत ले रहा है, लेकिन लेता चाइना ही है। चाइना बहुत ज़्यादा ऐसी चलाकियाँ चलता है गाइस, देख लीजिए चाइना ऐसी कंट्री है। तो अगर आपको लिपू लेक पास जाना है तो कहाँ पे, पिलग्रिम यूज दिस पास टू रीच कैलाश मानसरोवर, ठीक है ना, तो आपको इससे होकर जाना पड़ेगा। तो जो कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराने के लिए जो एक पार्टी चल रही है वो है BTSM, भारत तिब्बत सहयोग मंच, ठीक है ना गाइस। वो पार्टी क्या है, वो चाइना से लड़ती है तिब्बत को आज़ाद कराने में, क्योंकि तिब्बत भी बहुत ज़्यादा तंग आ चुका है अब तो चाइना से, उसकी हरकतें तो समझ ही नहीं सकते। चलो आउट ऑफ दिस कोर्स, ओके गाइस, चलिए आइए। अब जो नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास वो कौन सा है, यहाँ पे गाइस देखिए, सिक्किम है। सिक्किम में मेन पास कौन सा है, नथुला पास हो गया आपका और जेलेपला पास हो गया, ठीक है गाइस। कौन कौन से हो गए, नथुला पास हो गया आपका और जेलेपला पास हो गया। तो गाइस देख लीजिए, ये जो आपके हैं वो मेन है, ठीक है ना। और जो इसमें जेलेपला पास है ये क्या करता है, दैट कनेक्ट लाहासा टू इंडिया, ठीक है गाइस। ये क्या करता है आपका, जेलेपला जो पास है वो आपका क्या करता है, कनेक्ट करता है लाहासा टू आपका इंडिया, ठीक है ना। और नथुला पास क्या करता है, कनेक्ट सिक्किम टू तिब्बत रीजन, तिब्बत से कनेक्ट करता है, ठीक है ना। कौन सा आपका पास, नथुला पास। ये तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मेन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है गाइस, देख लीजिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए आगे करते हैं, गाइस मेनली जो मध्य प्रदेश है उसमें से एक ही पास पूछा जाता है, जिसका नाम क्या है, आसिरगढ़ पास, ठीक है ना गाइस, ठीक है। तो हमारे पास अब कौन सा स्टेट है आपका, अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें कौन कौन से मेनली जो है पासेज हैं वो देख लीजिए आप। फर्स्ट है योंग गैप पास, क्या है, योंग गैप पास, ठीक है। सेकंड है बोमदिला पास, थर्ड है ध्यांग पास, फोर्थ है दीपर पास, फिफ्थ है चंगन पास और सिक्स्थ है हमनगन पास, ठीक है गाइस। मेनली जो है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मेनली जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन है वो है बोमदिला पास, बहुत बारी एग्जाम में पूछा गया है सीए वाला का, इस कौन सा बोमदिला पास। और ये क्या करता है, दैट कनेक्ट्स अरुणाचल विद लाहासा, लाहासा से कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना, बोमदिला पास। चलिए गाइस ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। अब आपका मध्य प्रदेश में आसिरगढ़ पास, ये कहां पर है आपका, आसिरगढ़ पास आपका सतपुरा रेंज में है, कहां पर है गाइस, सतपुरा रेंज में, ठीक है आपका आसिरगढ़ पास, ठीक है। और ये क्या करता है, दैट कनेक्ट्स नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ये कनेक्ट करता है आपका नॉर्थ इंडिया से। और इट इज ऑल्सो नोन एज दकानी पास, ठीक है गाइस। ये है, ये ऑल्सो कनेक्ट करता है आपका नॉर्थ इंडिया को, ठीक है ना। और थर्ड है इट इज़ ऑल्सो नोन एज दकानी पास, इसको दकानी पास भी हम बोलते हैं गाइस। तो ये हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश के, और ये हो गया आपके मध्य प्रदेश के, ठीक है। दैट कनेक्ट्स नॉर्थ इंडिया विद डेक्कन प्लेटू,
ये नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करता है किससे, डेक्कन प्लेटू से, ठीक है गाइस देख लीजिए। और इसको हम डकानी पास भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछ ली कि डकानी पास का दूसरा नाम क्या है तो वो क्या है, असीरगढ़ पास, जो कि कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट स्टेट करते हैं, आइए। तो गाइज मेनली अब हमारे पास कौन सा स्टेट है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर। गाइज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मेन स्टेट है गाइज ये जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पासिस पूछे जाते हैं एग्जाम में हमेशा वो जम्मू एंड कश्मीर से पूछे जाते हैं। तो ठीक है, चलिए देखिए, देखते हैं कौन कौन से इसमें पासिस हैं। फर्स्ट है गाइज यहाँ पे पीर पंजल पास। गाइज क्या नाम है, पीर पंजल पास, इसको हम कहते हैं, इस पास को हम एक और नाम देते हैं, पीर की गली, पीर की गली पास, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेंगे कि पीर की गली पास कहाँ पर है तो वो जम्मू कश्मीर में, और उसका दूसरा नाम क्या है पीर की गली पास का, तो वो क्या होगा आपका, पीर पंजल पास, ठीक है। पीर पंजल पास को ही हम पीर की गली पास कहते हैं गाइस, ठीक है। सेकंड है बुर्जिल पास, कौन सा गाइस, सेकंड है बुर्जिल पास। गाइस ये क्या करता है पास आपका, दैट कनेक्ट्स गिलगिट एंड श्रीनगर। गाइस जो जगह है गिलगिट और श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ठीक है, बुर्जिल पास। गिलगिट जगह इंडिया की ही है, जो कि एक तरह से पीओके में आ रही है, लेकिन पाकिस्तान कहता है गिलगिट उसकी जगह, लेकिन नहीं, गिलगिट जो है वो इंडिया की जगह है, लेकिन पाकिस्तान तो आपको पता ही है कश्मीर के मुद्दे पे कब से बहस होती जा रही है, लड़ाई कब से स्टार्ट ही है, 1947 से ही स्टार्ट है आपकी लड़ाई, पर पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला गाइस। बस आपको याद रखना कि बुर्जिल पास क्या है, दैट कनेक्ट गिलगिट एंड श्रीनगर को कनेक्ट करता है, ठीक है। और लास्ट वन है इसमें जम्मू कश्मीर में बनिहाल पास, ठीक है गाइस। तो कौन कौन से हो गए, पीर पंजल पास, सेकंड हो गया बुर्जिल पास, थर्ड हो गया आपका बनिहाल पास, ठीक है गाइस। ये हो गया आपके जम्मू कश्मीर से जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए ये है थालघाट पास, इसमें है पहला थालघाट पास, ठीक है ना आपका। तो ये कहाँ पर है, देखिए ये है आपका नॉर्थन सह्याद्री में, ठीक है ना, नॉर्थन सह्याद्री में, ठीक है। एंड दैट बिटवीन नासिक टू मुंबई, ये जो आपका कनेक्ट करता है क्या, नासिक टू मुंबई को, ठीक है ना, ये कनेक्ट करता है आपका नासिक टू मुंबई को, ठीक है गाइस। और सेकंड है आपका बोरघाट पास, गाइस क्या है, बोरघाट पास, ठीक है। और ये क्या करता है, लिंक्स मुंबई टू पुणे गाइस, ठीक है। ये क्या करता है, जोड़ता है मुंबई टू पुणे को। और ना और ये वाला जो है थालघाट पास, ये क्या करता है, जोड़ता है नासिक टू मुंबई को, ठीक है ना। थालघाट पास और बोरघाट पास क्या करता है, जोड़ता है मुंबई टू पुणे को। और ये भी कहाँ पर है, इन नॉर्थन सह्याद्री, नॉर्थन सह्याद्री में ही है आपका, ठीक है गाइस। तो कौन कौन से हो गए महाराष्ट्र के, थालघाट पास और हो गया आपका बोरघाट पास, देख लीजिए गाइस। ये था आपका जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र के पास, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, आइए गाइस। तो गाइस अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है स्टेट, पहले तो लद्दाख स्टेट था पर अब यूटी बन गया, आपको पता होगा। तो क्या है हमारे पास लद्दाख, गाइस देख रहे हैं कितने ज़्यादा पासिस हैं लद्दाख में, कम से कम 10 पासिस हैं और एक दो और होंगे, पर मैंने अभी 10 ही लिए। तो गाइस देख रहे हैं आप, ये तो घर है पासिस का, सबसे ज़्यादा पासिस जो है पूरे इंडिया में वो सब लद्दाख में ही है सबसे ज़्यादा, ठीक है ना। तो और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेन है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है ना, तो इसलिए चलिए आइए तो देखते हैं कौन कौन से इसमें पासिस हैं। तो लद्दाख में फर्स्ट हो गया आपका मिंटेक पास, सेकेंड हो गया खरदुंगला पास, थर्ड हो गया जो जिला पास, फोर्थ हो गया पारपिक पास, फिफ्थ हो गया कुंजेरब पास, सिक्स्थ हो गया चंगला पास, सेवन्थ हो गया अघिल पास, एट्थ हो गया पेंसिला पास, नाइन्थ हो गया उमलिंगला पास, और थर्ड हो गया आपका इमिसला पास, ठीक है गाइस। तो देख लीजिए अब इसमें जो क्या क्या है, देखिए खरदुंगला पास है ना वो मेन है, क्यों देखिए, यूज टू सप्लाई, यूज टू सप्लाई मटेरियल टू सियाचिन, ठीक है। ये यूज़ होता है सप्लाई करने के लिए, मटेरियल हो गया, फिर जो भी आपके
जा रही हैं, चीज़ें चाहिए वहाँ पे, जैसे सियाचिन के जो हमारे सोल्जर्स हैं, आपको पता है कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक पे जो सियाचिन के हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए जो भी सप्लाई चाहिए, मतलब जिस चीज़ की भी, जैसे आपको राशन चाहिए, वेपन्स, एमुनेशन, जो भी, मतलब जो भी मटेरियल, इसलिए मैंने बोल दिया, मटेरियल देता है जो कि सियाचिन जाएगा वो इसी पास होकर जाएगा, खरदुंगला पास, इसलिए मेन है आपका, ठीक है। और ये देखिए जो जिला पास दैट कनेक्ट्स श्रीनगर टू कारगिल एंड ले टाउन, जो श्रीनगर को कारगिल और ले टाउन से जोड़ता है वो कौन सा आपका, जो जिला पास है, ठीक है ना। और मेनली कौन सा पार्ट है आपका, NH1 नेशनल हाईवे 1, ठीक है ना गाइस, कौन सा नेशनल हाईवे 1 आपका, ठीक है गाइस। तो ये वाला तो हो गया सप्लाई मटेरियल भेजने के लिए, सियाचिन में खारदुंगला पास होता है और जो जिला पास है दैट कनेक्ट श्रीनगर टू कारगिल एंड ले टाउन, ठीक है, पार्ट NH1 नेशनल हाईवे 1, ठीक है। और बाकी आपके होगा कुंजेरा पास, शंगला पास, अगिल पास, पेंसिला पास, ओमिंगला पास गाइस मेन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, जो सबसे ऊंचाई पे है ना आपका पास जो लद्दाख में, वो यही है ओमिंगला पास, इसकी है 19,300 फीट है गाइस, बताओ 19,300 फीट पे गाइस ये आपका ओमिंगला पास, ठीक है। और ये वर्ल्ड मोटेबल पास ऑफ लद्दाख भी है, ये आपका वर्ल्ड मोटेबल पास ऑफ लद्दाख, मतलब सबसे ऊंचाई पे जो पास है आपका लद्दाख में वो यही है ओमिंगला पास। तो आप ध्यान रखिएगा ये वाले पास, तो मेनली लद्दाख में से ओमिंगला पास, जोजीला पास और कुंजेरा पास और एक आपका खरदुंगला पास, ये तो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना। और इसकी कितनी फीट पे, कितनी ऊंचाई पे, 19,300 पे, ठीक है गाइस, चलिए देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट स्टेट करते हैं गाइस, आइए। तो बच्चों अब हमारे पास कौन सा स्टेट है आपका, राजस्थान गाइस, ठीक है, कौन सा हमारे पास, राजस्थान है। तो राजस्थान में मेनली कौन कौन से पासिस हैं आपके, देख लीजिए, गोरम पास, गोरम घाट पास, जब हमारे पास कौन सा स्टेट है देखिए आपका, राजस्थान, ठीक है गाइस। तो इसमें मेनली कौन कौन से हैं आपके पासेस देखिए, फर्स्ट तो है आपका यहाँ पे गोरम घाट पास, ठीक है गाइस, कौन सा यहाँ पे गोरम घाट पास है, ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या है खासियत। तो इट इज सिचुएटेड इन अरावली रेंजेस गाइस, ये आपका कहाँ पर है, इट इज सिचुएटेड इन अरावली रेंजेस, ठीक है। और दैट कनेक्ट्स मेवाड़ टू मरवर, ठीक है, ये कनेक्ट करता है मेवाड़ टू मरवर, ठीक है गाइस। और सेकंड है आपके पास सेकेंड है आपके पास हल्दी घाटी पास, ठीक है गाइस। देखिए पहला तो हो गया राजस्थान का गोरम घाट पास और सेकेंड हो गया हल्दी घाटी पास, आपको पता है हल्दी घाटी फाइट भी हुई थी, हल्दी घाटी बैटल हुई थी, तो उससे आपको याद रहेगा हल्दी घाटी पास आगे तो कहाँ पर है, वो आपका राजस्थान में। इसको देखते हैं, इट्स ऑल्सो सिचुएटेड इन अरावली रेंजेस and that connects guys, ये क्या है देखिए, ये भी जो है आपका अरावली रेंजेस में ही है, ठीक है ना गाइस, ये भी कहाँ पर है आपका अरावली रेंजेस में ही है, ठीक है, जो कि है, ठीक है। और ये कनेक्ट करता है आपका and that connects राजसमंद टू पाली, ये जो है कनेक्ट करता है राजसमंद को
पाली से, ठीक है ना, जो जगह है, ठीक है गाइस, देख लीजिए। तो ये आपके जो मेनली हैं राजस्थान से हैं, गोरम घाट पास और हल्दी घाटी पास, ठीक है गाइस। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। गाइस देखिए, मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, आपके लिए इतना अच्छा स्टैटिक जीके की क्लासेस भी ला रहा हूँ, और आपके लिए इतना अच्छे से रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। तो गाइस मेरे चैनल से जुड़िए यार, मेरे चैनल की वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, हेल्प कीजिए आप मेरी, सपोर्ट करिए मुझे, मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ, तो सपोर्ट में गाइस, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है गाइस। चलिए आइए आगे करते हैं, आइए। तो गाइज हमारे पास नेक्स्ट स्टेट कौन सा, देखिए हमारे पास है केरला। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से मेन पासेज हैं। पहला तो गाइज आपका पालघाट पास, कौन सा आपका पालघाट पास, ठीक है। पालघाट पास ऑल्सो कॉल्ड पलकड़ गैप, पालघाट को हम पलकड़ गैप भी बोलते हैं। अगर बोल देंगे पलकड़ गैप ऑल्सो नेम इज पालघाट, ठीक है। पालघाट पूछेंगे कि दूसरा नाम क्या है पालघाट का, तो क्या हो जाएगा पलकड़ गैप, और पलकड़ गैप का दूसरा नाम पूछ लेंगे तो वो क्या है पालघाट, ठीक है। ये आपका बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नमलाई हिल्स, कहाँ पर है, पीलगिरी एंड अन्नमलाई हिल्स में, ठीक है गाइस, ये आपका है। और इट कनेक्ट्स केरला टू तमिलनाडु, ये आपके केरला को तमिलनाडु से कनेक्ट भी करता है, कौन सा पालघाट, ठीक है। और सेकंड है आपका सैनकोंटा पास, क्या है सैनकोंटा पास, ये क्या है बिटवीन द नगरकोइल एंड द कार्डामोम हिल्स, ये है नगरकोइल और कार्डामोम हिल्स के बीच में, ठीक है ना, कौन सा सैनकोंटा पास आपका, कौन सा सैनकोंटा पास, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट है, इट लिंक्स पुरम टू मदुराई, इट लिंक्स तिरुवनंतपुरम टू मदुराई, ठीक है गाइस, कौन सा सैनकोंटा पास। और आपको पता ही है तिरुवनंतपुरम जो है वो तो कैपिटल है ही किसकी, केरला की कैपिटल जो है वो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है ना गाइस। तो देख लीजिए ये आपको हो गए पासिस, केरला के पालघाट पास और सैनकोंटा पास, ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस यहाँ पे आपका ये सेशन खत्म होता है। तो गाइस जितने भी मेनली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्वेश्चन थे, और जो भी स्टेट वाइज क्वेश्चन आपके बनते हैं या फिर इंपॉर्टेंट पासिस के आपके क्वेश्चन स्टेट वाइज बनते हैं, वो मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं। तो आप गाइस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और अपने एग्जाम में अच्छे से नंबर गेन कीजिए, ठीक है गाइस। तो गाइस आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, ओके गाइस बाय।